को इनमें एक एक करके ये बताना है, ये जो दो सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द टू गिवन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आप लोग इनको एक बार ट्राई करो, पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो, और अगर आपने आंसर मैच कर ली हैं तो आप देखते हैं कितने सही हैं और कितने गलत हैं। रेडी, क्वेश्चन नंबर वन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर एक ही कार्बन सेंटर की बना है तो तुम देख सकते हो कि अगर इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन निकालें, आयोडीन इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड नंबर, दिस एस, ठीक है, आयोडीन जो है दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज आल्सो एस, की फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो है वो वर्टिकल पर ही है, दोनों सेम आए हैं, दैट मीन्स ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो आइडेंटिकल है। इसके अलावा तुम ये भी समझ सकते हो कि इस मॉलिक्यूल को इसमें मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ दो चेंजेस करके, और अगर दो चेंजेस करके हम एक दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ही होगा, ये भी एक तरीका है। या तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हैं क्वेश्चन कवर किए हैं, ऐसे में 10 क्वेश्चन कराने का कोई मीनिंग नहीं है, इस टाइप से भी दे सकते हैं। फिशर प्रोजेक्शन गिवन होगी और तुमसे पूछेंगे बताओ क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। तो पहले तो तुम ध्यान से देखो, इसमें जिस कार्बन पे COOH है, OH और H है, इसमें वो यहाँ पर है, ठीक है, और ये वाला कार्बन जो है ये यहाँ पे, तो तुम चाहो तो इसको रोटेट कर सकते हो 180 डिग्री पे। अगर तुम इसे, हम जानते हैं 180 डिग्री पर रोटेट करने पर फिशर प्रोजेक्शन को कोई चेंज नहीं आता है, 180 डिग्री रोटेट पर करते हुए ये बात ध्यान रखना, COOH आ जाएगा यहाँ पर, H आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला कार्बन ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला कार्बन यहाँ आ जाएगा। उन्होंने बताया था एक बार कि इसको रोटेट करेंगे तो H यहाँ आएगा 180 पे और ये वहाँ पे, अगर तुम इसे उठा के करके देख लो तो पता चल जाएगा H यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा और CH3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब तुम देख सकते हो ऊपर वाले तो दोनों सेम ही हैं, तो निकालने की जरूरत नहीं, कॉन्फ़िगरेशन क्या रही होगी, सेम कुछ ही रहे, तो यानी इन दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब इस पे देखना है क्या है, ठीक है, अगर इस पे भी कॉन्फ़िगरेशन सेम रही तो आइडेंटिकल है, इस पे डिफरेंट हो गई तो डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे, और अगर दोनों पे अपोजिट होती तो एनेंशियोमर होते, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो देखो, प्रायोरिटी 1, दिस इज द प्रायोरिटी 2, दिस इज द प्रायोरिटी 4, प्रायोरिटी 3, तो 1 से हम 2 की तरफ हो जाएंगे 4 से, यानी एस होना चाहिए बट ये हॉरिजॉन्टल पे, दिस इज आर, इसको चेक करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4, तो दिस इज ऑल्सो आर। तो ऊपर वाले तो सेम है ही देखने से दिख रहे हैं, और नीचे वाले भी सेम हैं, इसका मतलब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल मैच करती है, दैट मीन्स दोनों कंपाउंड ये भी जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, मैं इसको मिटा देता हूँ जो दो क्वेश्चन हमने कर लिए। मैं किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो, या मैंने प्रायोरिटी गलत असाइन कर दी हो, या स्पीड से कर दिया हो, तो वो आप लोग आपस में कमेंट कर सकते हैं और इतनी सी बात को आप समझ सकते हैं। वो फोर्थ को जब तुम ट्राई करोगे तो जो वेज एंड डैश है वहां से इसको अगर हम इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो है ये बाहर आता हुआ नजर आएगा, इसको प्रायोरिटी देते हैं 1 और 2 में से, तो ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन से जुड़ा, ये सल्फर जुड़ा, दिस इज द प्रायोरिटी 1, दिस इज द प्रायोरिटी 2, इधर से देख रहे हो बाहर आता हुआ जो है वो लेफ्ट में दिखाई देता है, तो प्रायोरिटी 2 इधर है, प्रायोरिटी 1 इधर है, ये ऊपर है और ये नीचे नजर आएगा वहां से देखने पे, क्लियर है, ये सब चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। दिस इज द प्रायोरिटी 1, नहीं नहीं, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है, यहाँ कार्बन कार्बन से ही जुड़ा है, तो यस दिस इज द प्रायोरिटी 3, दिस इज द प्रायोरिटी 4, तो 1 से हम जाएंगे किस तरफ को, 2, दिस इज R। इसके लिए अगर हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं, यहाँ पे वेजो डैश है, इन दोनों में दिस इज योर प्रायोरिटी नंबर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, तो 1 और 2 यहाँ से देख रहे हो बाहर आएगा 2 प्रायोरिटी, अंदर है 1 प्रायोरिटी, ऊपर नजर आएगी प्रायोरिटी 3, नीचे नजर क्या आ रही है प्रायोरिटी 4, तो 1 से दिस इज S, R है और S है, दैट मीन्स बोथ आर एनेंशियोमर्स, और अगर सेम आ जाती तो दोनों ही आइडेंटिकल हो जाते हैं, और आइडेंटिकल को ही होमोमर्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको ध्यान से देखते हैं, पहली बात तो देखने से दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज तो लग रहे हैं और सुपर इम्पोज भी नहीं होंगे, एनेंशियोमर होना चाहिए, पर हम तुम इतनी स्पीड से आंसर नहीं करोगे, पेपर में हमें एक क्वेश्चन करना है तो बिल्कुल सही करना ज़रूरी है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करना है, क्या मैंने तुम्हें सिस्टम सिखाए हैं, तो एक बार ध्यान रखना जब भी कोई क्वेश्चन आएगा मैंने कैसे बताए थे सिस्टम, ये ऊपर है H, OH नीचे है, ये है OH ऊपर और H
नीचे। अब हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेते हैं इनकी। प्रायोरिटी वन यहाँ है, प्रायोरिटी टू यहाँ है, थ्री यहाँ है, तो तुम जा रहे हो इस तरीके से, विच मीन्स एस। लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर है, तो दिस इज आर। प्रायोरिटी वन, प्रायोरिटी टू, प्रायोरिटी फोर, प्रायोरिटी थ्री, तो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, तो वन टू थ्री ऐसे जाएंगे, दिस इज आर। दोनों ही क्या हो गए हैं, आर हो गए हैं। ठीक है, उसको चेक करते हैं। ओ एच अबव है, एच बिलो द प्लेन है, एच अबव है, ओ एच बिलो द प्लेन है। ठीक है, वन टू थ्री, वन टू थ्री ऐसे एस। ठीक है, देखो एक आर की एक एस आ गई है। अगर दोनों ही एस आ गए तो एनेंशियोमर, और ये आर आ गया तो मैंने बताया था डायस्टेरियोमर्स में एक पर कॉन्फ़िगरेशन सेम हो सकती है, सब पे सेम अपोजिट नहीं होती है, किसी एक पे सेम होगी बाकी पे डिफरेंट। ठीक है, तो ये डायस्टेरियोमर हो जाएगा अगर ये आर आया तो। अब हम बात करते हैं, दिस इज प्रायोरिटी नंबर वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, ये आर नहीं है क्योंकि ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला है, दिस इज एस। तो मैंने देख के ही बता दिया था मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, तो पर कोई बात नहीं, हमें एग्जाम में सही आंसर करने से मतलब है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तुम्हें सही करना है। तुम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें अपने लेवल के लिए जितनी इंपॉर्टेंट बातें सिखानी थी वो मैं सिखा चुका हूँ, बस अब उनको तुम्हें अप्लाई करना है कि मैंने किस मॉलिक्यूल को कैसे देखना सिखाया है। क्वेश्चन करने से पहले, अपने तरीके अप्लाई करने से पहले सोच लेना कि मैंने ये वाला केस कराया है तो हमें कैसे देखना था। इसकी बात करते हैं, ये दोनों कंपाउंड है, बताओ इन दोनों में क्या रिलेशंस हैं। तो ये मेरे को मीजो टाइप कंपाउंड दिख रहा है, ऐसे हमने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो पहले रिलेट करने की थोड़ी कोशिश किया करो। इसके बाद अगर अब हम बात करते हैं, देखो वैसे तो इसमें काम करते हैं, चेक कर लेते हैं ये, जब मैं इसको तो बना लेता हूँ। पहला वाला कंपाउंड जो है वो इस तरीके से है, दो कार्बन सेंटर हैं, सी ओ ओ एच ऊपर है, ओ एच यहाँ है और एच यहाँ है। इसमें अगर मैं दो चेंजेस कर दूँ तो हम जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है। तो एक बार मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, सी ओ एच को मैं यहाँ लिया है, ठीक है, तो दो चेंजेस करने हैं मुझे। अगर मैं सी ओ एच को यहाँ लाऊंगा तो एच वहाँ चल जाएगा, फिर एच और ओ एच को भी चेंज कर देते हैं, तो ये बन गया ओ एच और एच। ये अपने आप में एक मीजो कंपाउंड है, इसका मतलब ठीक है, दो कार्बन सेंटर हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। उस दूसरे कंपाउंड को देखते हैं, उसमें सी ओ एच को नीचे वाला सी ओ एच तो यहाँ पे है ही, और राइट में ओ एच है और एच है, यानी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही हो गई। अगर ये दोनों सेम हो गई, सीधी सी बात है, अब दोनों सेम हो गई, ये दोनों डिफरेंट हो गई अगर, तो डायस्टेरियोमर है, और ये दोनों भी सेम हो गए तो आइडेंटिकल कंपाउंड है। अब चेक करते हैं, अब देखो सी ओ एच है यहाँ पे, इसको भी दो चेंजेस कर लेते हैं, सी ओ एच को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, तो एच यहाँ जाएगा, एच और ओ एच को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज तो साफ साफ समझ में आ रहा है एक दूसरे की मिरर इमेज भी है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। ना 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 ना, मिरर इमेज कहाँ है, इस ओ एच की मेरी इमेज यहाँ थी, डायस्टेरियोमर लग रहे हैं देखने से। अब चेक कर लेते हैं भाई, ये दोनों तो सेम ही आएंगे क्योंकि सब ग्रुप की प्रायोरिटी सेम है, इस पे देख लेते हैं बस। ठीक है, इसमें क्या देखना है, प्रायोरिटी नंबर वन टू, दिस इज थ्री एंड फोर, तो मैं पता है क्या आएगा, वन से टू की तरफ हो जाएंगे ऐसे, तो दिस इज एस, लेकिन एच यहाँ पे है तो ये हो गया है आर। वन टू थ्री फोर, वन टू इस तरीके से आर, तो क्या हो गया एस। पहले मैंने बता दिया था ये दोनों तो सेम है, निकाल के देख लेना, ऊपर वाले दोनों डिफरेंट हो गए हैं, ये वाला मीजो है, ये वाला मीजो कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्लियर आ रही, समझ में आ रही है बात, बहुत ध्यान से, बहुत ईजी क्वेश्चन, चैप्टर कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है। आप अगर चाहे थोड़ी सी मेहनत करो सब्जेक्ट को समझने पे, बस इतनी सी बात है, परफेक्शन चाहिए होती है सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ को पढ़ो बहुत क्वालिटी से, उसका मीनिंग समझो क्या है। मैं बार बार ये समझाता हूँ, कितना पढ़ा मैटर नहीं करता है, कितना अच्छे से पढ़ा है, वही कोर्स उसी चैप्टर्स को पढ़ के जाओ और उन्हीं में आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया, क्वेश्चन नंबर सेवन को ट्राई करो, ये सी ओ ओ एच है, ये है एच, तुम चाहो तो यहीं के यहीं इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। बी आर को प्रायोरिटी वन मिलेगी, इसको सेकंड मिलेगी, इसको थर्ड मिलेगी, वन टू थ्री, आर घूम रहे हो तुम यहाँ से, आर लिस्ट प्रायोरिटी वाला वैसे भी यहीं पे है। इसमें अगर तुम यहाँ से देखो, वन एक सेकंड, एक सेकंड, यही तो स्पीड कभी नहीं दिखानी होती। देखो वैसे प्रायोरिटी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, देखो ये बी आर से जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन से जुड़ा है, ये आगे ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये बी आर से जुड़ा हुआ है, दिस इज योर प्रायोरिटी टू, दिस इज योर प्रायोरिटी थ्री, तो क्या हो गया है,
This is S. Priority 1 is BR. Priority 2 is this, क्योंकि ये BR से जुड़ा है. This is priority 3. तो ये कैसे घूम रहे हो तुम? S. Anticlockwise. बट ये हो जाएगा R. एक S है और एक R है. क्लियर है? अब इस कंपाउंड को उठाते हैं. प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, 3. This is S, लेकिन उल्टा हो जाएगा. ये हो गया है R. ठीक है, तो S का रिवर्स R हो गया है. और इसके अलावा इसको चेक करते हैं अब हम. 1 प्रायोरिटी, 2 प्रायोरिटी, 3 प्रायोरिटी, दिस इज S. तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है? S और R, R और S. तो क्या होने चाहिए एक दूसरे के एनेंशियमर? ये और ये बिल्कुल भी एक दूसरे के एनेंशियमर नहीं है, क्योंकि जरा तुम ध्यान से देखो, यहाँ दो कार्ल सेंटर हैं, दोनों सेम कार्ल सेंटर हैं. तुम फिशर बनाने की कोशिश करो एक बार, इसको दिखाता हूँ मैं. तुम क्या चीज़ मिस कर देते हो? तुम बस फ्लो में बह जाते हो, जबकि तुम्हें सारी चीज़ें चेक करनी है. ठीक है, मैंने बताया था कि अगर तुम इसका फिशर बनाना चाहते हो तो कैसे बनाते हैं. देखो, जो ये वेज वाली लाइन पे होती है इसको सीधा बना देते हैं, जो ये बोर्ड में है इसको हम एक सीधा बना देते हैं. ऊपर COH है और नीचे भी क्या है? COH है. बस यही डिफरेंस है तुम और मेरे में. थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो ये है कि तुम्हारी जो आईज हैं वो उस तरीके से नहीं देख रही हैं चीज़ों को. तुम सिर्फ आंसर निकालने पे फोकस होते हो, जबकि मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो ध्यान से. सारी बातें बताई हैं, सारी थियरी पढ़ाई है. अब मैं कोई भी क्वेश्चन लाऊं किसी भी लेवल का, वो सारे उन्हीं बातों से हो जाएंगे. इसलिए मैंने सारी बातें एक जगह लिखवाई. अब देखो इसको कैसे बनाएंगे. तुम अगर यहां से देखोगे तो बी आर राइट पे नजर आएगा, एच लेफ्ट पे. और अगर यहां से देखोगे तो एच बाहर आ रहा है, तो एच बाहर आ रहा है तो लेफ्ट, और बी आर अंदर जा रहा है तो राइट. ये बन गया इसका फिशर. उसका बना के देखो. देखो अब हम बात करते हैं सी ओ ओ एच जो इसके ऊपर है, और सी ओ ओ एच इसकी बात करें. यहां से देखेंगे बी आर राइट, नहीं जो बाहर आ रहा है वो एच है, एच राइट, बी आर यहां पे नजर आएगा. और इसके अगर हम बात करेंगे यहां से देखते हैं तो बाहर जो आ रहा है वो बी आर है, और जो अंदर जा रहा है वो क्या है? अच्छा, यहाँ से देखो ये दोनों एक ही कंपाउंड तो है. यही तो थे मीजो. बोलो भाई, जब मैंने ऐसे ही एक एग्जांपल दिया था, जब इनको मैंने 1 और 2 मार्क किया था, वहाँ पे OH था बस इसकी जगह. तो ये मीजो कंपाउंड है, और मीजो कंपाउंड का कभी भी एनेंशियमर नहीं बनता है. ये दोनों कंपाउंड जो है वो क्या है? आइडेंटिकल है. या तो तुम ऐसे समझ सकते हो दो स्टीरियो सेंटर हैं, दोनों सेम टाइप के हैं, इसीलिए इसमें आंसर एनेंशियमर नहीं होगा, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8. तो ये मैंने टाइप्स कवर किए हैं, इनसे अलावा तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है. ये दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखो, ये एम ई है और ये भी एम ई है. तो दोनों पहले इसको चेक करते हैं, ये दोनों में क्या रिलेशन है. तो तुम कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हो. पहले चेक कर लो देखने से, क्या मिरर इमेज लग रहे हैं? नहीं लग रहे. एयरप्लेन से बाहर आ रहा है, नीचे आ रहा है, एनेंशियमर की तो बात ही खत्म हो गई. इसका मतलब मिरर इमेज ही नहीं है तो एनेंशियमर नहीं लग रहे हैं. दूसरी बात, कॉन्फिगरेशन निकाल के और कन्फर्म कर सकते हो तुम. दिस इज प्रायोरिटी 1, दिस इज प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, दिस इज S. Priority 1, priority 2, priority 3, this is R. Priority 1, priority 2, priority 3, S का रिवर्स हो गया है R, क्योंकि H जो होगा वो अब प्लेन है. Priority 1, priority 2, priority 3, S. तो तुम्हें लग रहा है सर एक S और एक R. मैंने बताया था एनेंशियमर एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे लगने चाहिए, पहली बात. तो दूसरी बात यह है, तब कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स आती हो तो वो एनेंशियमर होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है. अगर तुम इस कॉन्सेप्ट से आंसर निकालोगे तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा. ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं लग रही हैं. ठीक है, और दोनों मीजो भी हैं. देखो ये मीजो कंपाउंड है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ गई, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है. तो ऐसे कंपाउंड जो मीजो होते हैं और एक दूसरे के डायस्टीरियोमर भी हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो ऐसे कंपाउंड को मीजो डायस्टीरियोमर्स भी कहा जा सकता है. तो बहुत ध्यान से समझ लेना, ये वो क्वेश्चन है जो जनरली बच्चे गलत कर देते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो 8 क्वेश्चन हो गए. अब मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन हर टाइप के कवर कर दूंगा. बस ध्यान से समझते रहो, वो थियरी ध्यान से समझो और क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश करो. ये गलतियाँ तुमने अगर पहले ही पहचान ली है और सही नहीं गलती नहीं की है तो बहुत सही जा रहे हो, तो तुम्हारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा. अब हम कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको ट्राई करते हैं. अब ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पर तुम्हारे सामने, इनके बीच में जो भी रिलेशन है वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो. क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है. सबसे पहले चेक क्या करना होगा, अब तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया जनरेट हो गया होगा सर, कि पहले हम चेक कर रहे हैं कि एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे लगते हैं कि नहीं लगते, पहली बात. तो
तो आंसर इज नो, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं लगी। चलो ये ठीक है, इसकी मिरर इमेज की पोजीशन पे, ये अबव द प्लेन की मिरर इमेज, बिलो द प्लेन कभी भी नहीं आएगी। ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, तो मिरर इमेज है ही नहीं। ठीक है, अब सेम कंपाउंड है कि नहीं है वो चेक करना हो सकता है, तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर सब पे सेम आ गई तो सेम कंपाउंड है, और कॉन्फ़िगरेशन सब पे सेम नहीं आई, कुछ पे सेम और कुछ पे डिफरेंट, फिर चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है, उसका मतलब वो डायस्टीरियोमर्स होंगे। एनेंशियोमर का तो ऑप्शन ही खत्म कर दिया तुमने पहले, क्योंकि दूसरे की मिरर इमेज जैसे ही नहीं दिख रहे पहली बात, तो एनेंशियोमर नहीं है। आप तो या तो आइडेंटिकल होंगे या क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं, अमीजो कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, कोई ऑप्शन में लिखे ही होते, कौन कौन से चेक करने हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेना, ये डायस्टीरियोमर्स आएंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन निकालनी तो मैं आती ही है, इस तो इसका रिलेशन है डायस्टीरियोमर, मैं भी करके दिखा, जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो पूछ ले। ठीक है, आपस में डिस्कस कर लेना, अपना टेलीग्राम लिंक जो है उस पे जाके, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जिसमें आप लोग सभी जुड़े हुए हैं उन पे पूछ सकते हो। इसकी बात करते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे लग रहे हैं? ये नीचे ठीक है, ये बी आर है, यहाँ पे एम ई है, यहाँ पे एम ई है, ये बी आर है। तो ये बात ध्यान रखना, पहले तो कुछ रोटेशन सा करके देखते हैं इसको, इसको रोटेट करके इस तरीके से लाने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर इसको रोटेट कर भी दिया, ये बी आर यहाँ आ जाएगा अबव द प्लेन में। एक बार बता देता हूँ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, पेंटागन ने घुमा दिया। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ 90 डिग्री हैं, वो हम पेंटागन अच्छे से बना नहीं पाते, अदरवाइज सारे के सारे जो एंगल हैं वो एक तरीके से ऐसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको तुमने सिर्फ पेंटागन घुमा दिया, तो ये वाला बी आर अगर यहाँ आ गया तो ये इसकी पोजिशन पर आ गया है अबव द प्लेन वाली पोजिशन पर। ठीक है, ये वाला बी आर जो है वो यहाँ, जब ये यहाँ आया है, दो पोजिशन रोटेट करा है, तो जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा बी आर, और एम ई जो अबव द प्लेन था इसमें, सॉरी इसमें एम ई कहाँ है, ये रहा, वो दो पोजिशन रोटेट करेगा यहाँ आ जाएगा। तो एम ई की पोजिशन पे है बी आर, बिल्कुल सही है। ये बी आर यहाँ की जगह यहाँ पे, इसका मतलब इसमें तो स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो ये कोई एनेंशियम डायस्टीरियोमर्स नहीं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है इसका मतलब। इसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें तुम इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, इसकी तो तुम ऐसे निकाल सकते हो यहीं प्रायोरिटीज देके, इसको पहले तुम चाहो तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो फिशर में, मैंने क्या बताया था, आगे वाले वाई को भी सीधा कर दो, पीछे वाला वाई सीधा है ही। ठीक है, अगर आगे वाले वाई को सीधा करेंगे हम, मैंने बताया था अगर आगे वाला सीधा वाई ना भी हो, सारे पॉइंट बस ध्यान होने चाहिए। ठीक है, ये C2H5 जो है वो यहाँ आ गया C2H5, और इसको वाई को सीधा करोगे तो एम ई आगे यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो C2H5 वाला जो ऊपर है H राइट में है, NH2 लेफ्ट में है, इसको वाई को एम ई को नीचे लाओगे तो बी आर जो है लेफ्ट आ जाएगा, H राइट आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट भी बताया था अगर वाई सीधा ना बन रहा हो तो इनको चेंज कर दिया करो पोजीशन को, तो ये इस तरीके से बन गया। तुम चाहो तो इसका भी फिशर बना सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन इनकी फाइंड आउट करेंगे, पहले इसको भी फिशर बना लूँ कि ऐसे ही फाइंड आउट करना है इसका। तो चलो ये चेक करो, देखो इसमें ये वाला कार्बन जिसपे बी आर एम ई और एच है वो ये वाला है, और ये वाला कार्बन वो ये वाला है, ये बात समझ में आती है। अब चेक कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है अगर तुम चाहते हो तो, यहाँ पे इसमें प्रायोरिटी देनी स्टार्ट करो, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, 1 से जाएंगे इस तरीके से R, तो दिस इज S, इसमें ये वाला S है जिस पे बी आर जोड़ा, इसमें देख लेते हैं, दिस इज प्रायोरिटी 1, दिस इज प्रायोरिटी, अच्छा ये यहाँ पे है तो दो चेंजेस कर लेने चाहिए हमें इसे अबव द प्लेन लाने के लिए। ठीक है, अब चेंजेस करोगे या एक काम, या फिशर बना लो, तुम्हारी मर्जी है, मैं इसका फिशर बना देता हूँ। में बी आर ऊपर है और ई टी आएगा इस पे, जो बॉन्ड पे है वो ऐसे आ गए, यहाँ से देखो तुम्हें, यहाँ से देखने पे एम ई जो है लेफ्ट नज़र आएगा ऊपर से देखने पे, और एच जो है वो अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से है, बॉन्ड ऐसे जा रहा है, तुम ऊपर से देख रहे हो, एक बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो जो बाहर निकल रहा है वो तुम्हें लेफ्ट में नज़र आएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ से देखो, अगर तुम यहाँ से देखते हो इसे, एक अंदर जा रहा है, ये बॉन्ड इस तरीके से, एक नीचे यहाँ पे है, एक इस तरीके से जा रहा है, और तुम नीचे से देख रहे हो, तो जो बाहर आ रहा है वो तुम्हें यहाँ से देखने पे बाहर वाला लेफ्ट नज़र आएगा। बाहर कौन आ रहा है, एच, तो H तुम्हें आएगा लेफ्ट नज़र, और NH2 आएगा तुम्हें यहाँ पर नज़र। ठीक है, अब इन ये दोनों कार्बन सेम है, इसको मल्टी पर रोटेट करो या चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले कार्बन में फाइंड आउट करते हैं, ये क्या आया था S, इसको चेक करते हैं, 1, 2, 3, दिस इज 4, 1 से लेके 4, ये R जाएंगे,
लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी का यहाँ पे है, तो ये दोनों, ये एस हो गया है, ठीक है। अब ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों सेम हैं, चेक करते हैं। प्रायोरिटी नंबर वन नाइट्रोजन, प्रायोरिटी नंबर टू इज दिस, प्रायोरिटी नंबर थ्री, प्रायोरिटी नंबर फोर। तो वन से जाएंगे टू इस तरीके से, एस आ रहा है लेकिन लिस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे है, तो दिस इज आर। इसकी बात करते हैं अब, अगर ये सेम आ गया तो ये दोनों तो सेम थे ही कार्बन, और ये भी सेम आ गया तो कंपाउंड आइडेंटिकल हो जाएंगे, और अगर ये डिफरेंट आ गया तो एक सेम है डिफरेंट डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे, एनेंशियोमर तो आने का चांस बन ही नहीं रहा है किसी भी तरीके से, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं रही है, दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल सेंटर हैं। अब इसकी बात करते हैं, प्रायोरिटी नंबर वन हम वहाँ दे ही चुके हैं कि इसको फर्स्ट नाइट्रोजन को, दिस इज सेकेंड प्रायोरिटी, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो वन से ऐसे एस, लेकिन ये क्या जाएगा आर, तो सेम है कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब दोनों कंपाउंड जो है वो क्या है आइडेंटिकल है। तो मैंने जान पूछ के ऐसे मॉलिक्यूल पिक किए हैं इसमें तुम्हारा सब कुछ रिवीजन हो जाए, न्यूमन को, सोहोर्स, फिशर, ये जिसके स्ट्रॉन्ग है, और मैंने सारे सिखाए हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री कोई भी बड़ी बात नहीं रहेगी उसके लिए, तो जो क्लासेस इससे पहले वाली हैं उनको ध्यान से पढ़ो, रिवाइज करो कि मैं कितने स्पीड से कैसे कर पा रहा इन चीज़ों को, उसको देखो तुम ध्यान से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखने से एक दूसरे के मिरर इमेज टाइप लग रहे हैं? आंसर है यस, मिरर इमेज तो लग रहे हैं, ये बिलो है, ये बिलो है, अबव है, ये अबव है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर प्रेजेंट है नहीं, अगर तुम अब कॉन्फ़िगरेशन इनके निकालते हो तो एनेंशियोमर लग रहे हैं मेरे को, एनेंशियोमर आएंगे देख लो। प्रायोरिटी नंबर वन, प्रायोरिटी नंबर टू, प्रायोरिटी नंबर थ्री, तो ये हो गया है एस, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज प्रायोरिटी नंबर वन, प्रायोरिटी नंबर टू, प्रायोरिटी नंबर थ्री, आर, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर है, दिस इज ऑल्सो एस, दोनों एस एस हो गए हैं, ठीक है। वो तो काल सेंटर ही नहीं है क्योंकि उसके ये दोनों जो ग्रुप हैं वो तो सेम ही है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को भाई। ऊपर तो एम ही है, नीचे एच है, अब इस ग्रुप को देखो सी एच टू सी एच टू सी सी, तो सेम ही चीज़ आ रही है, वो काल सेंटर नहीं है। अब हम बात करेंगे इसमें, देख लेते हैं, वन टू थ्री, ये जाओगे S, लेकिन ये क्या जाएगा R। देखो ये S का R आ गया है, इसका मतलब अपोजिट हो गया है, और अगर ये भी S का R आ गया तो एनेंशियोमर है, ये S ही आ गया तो डायस्टीरियोमर बन जाएंगे, मेज़ो तो ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसकी, वन टू, जी हाँ ये आ गया है R, मैंने क्या कहा था, तो दोनों एनेंशियोमर हैं एक दूसरे के, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 13 में हम ये ऑब्जर्व करते हैं, पहले दोनों को ध्यान से देखो, क्या दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर तुम प्लेन यहाँ रखोगे तो ये इधर है, तो नहीं नहीं ये मिरर इमेज लग तो रहे हैं भाई, ये दोनों मिरर इमेज लग रहे हैं एक दूसरे के, तो एनेंशियोमर होंगे। बाकी तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालने जानते हो कैसे, मैंने बताया इन केसेस में सारे बाइसाइक्लिक सिस्टम में, तो ये दोनों एनेंशियोमर आएंगे। इनको चेक करो क्या दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं, आंसर इज नो, क्योंकि एम ई की मिरर इमेज यहाँ आएगी, एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है। बात खत्म आ गई तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं, डायस्टीरियोमर है। तुम कॉन्फ़िगरेशन इनकी निकालना चाहते हो वो तुम सीखने के लिए कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसकी बात करते हैं, इस कंपाउंड की, तो क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? तुम कह रहे हो नहीं, लेकिन इस मॉलिक्यूल को रोटेट करो, एकदम देख के आंसर नहीं करना, तो डबल बॉन्ड 180 डिग्री रोटेट करते ही ये वाला कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, मान लो बीच से एक एक्सिस जा रही है, सो पड़े घुमा दिए, तो क्या दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल है, नॉन सुपरपोजिबल मिरर इमेज, दैट इज वाई ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर हो जाने चाहिए। उस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल नंबर 16, मॉलिक्यूल नंबर 16 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 है। अगर हम इसकी बात करें तो दोनों देखने में तो एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, है ना, ये बी आर की जगह बी आर है, सी एल की जगह सी एल है, तो ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेना, ऊपर R है तो नीचे वाला ऐसा आएगा। कैसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें, तुम यहाँ से देख रहे हो ऊपर से, BR तुम्हें ऊपर नजर आएगा, CL तुम्हें नीचे नजर आएगा, ठीक है। दिस इज BR ऊपर, CL सेकंड प्रायोरिटी नीचे है, ठीक है। तुम्हें क्या नजर आ रहा है, देखो एक मैंने बताया ऐसे नजर आ रहा है और ये ऐसे बना हुआ रिंग के साथ, तुम ऊपर से देख रहे हो बैठ के, BR तुम्हें ऐसे दिख रहा है, CL तुम्हें इधर दिख रहा है, तो एक राइट में जाता हुआ दिख रहा है, एक लेफ्ट में, ये तुम्हें राइट में जाता हुआ दिखेगा यहाँ से, और वो लेफ्ट में, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, दिस इज थ्री, दिस इज प्रायोरिटी नंबर फोर,
कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं इसकी, ऐसे ही उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब उसको बनाएंगे तो एक चेंज आएगा सिर्फ, देखो थ्री और फोर तो अपनी पोजिशन पर, थ्री एंड फोर ऊपर से देखोगे यहाँ से, और सी एल और बी आर की पोजिशन में चेंज है, तुम्हें सी एल यहाँ नजर आएगा, बी आर यहाँ, तुम जानते हो दोनों में एक चेंज है, और एक चेंज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, बदल जाती है, तो दोनों क्या है एक दूसरे के एनेंशियोमर है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 वाले की, दोनों देखने में एक दूसरे की मिरर इमेज है तो ये एनेंशियोमर हो सकते हैं, बट ये तो आइडेंटिकल कंपाउंड है। 180 पे रोटेट करो इसे, 180 पे जब तुम रोटेट करोगे ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ, सी एल और बी आर इस तरीके से हैं, बीच से एक्सिस जा रही है, 180 पे रोटेट करके तो सी एल बी आर पोजिशन चेंज कर लेंगे तो वो यही बन जाएगा, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं। तो इतने मॉलिक्यूल तुम्हें एक आइडिया देने को सफिशिएंट है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे डील करना है। अभी तो हमने रिलेशंस फाइंड आउट करने की बात की है, होमोमर, एनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, मीजो कंपाउंड कौन से हैं। एक बार मैं और क्वेश्चन पढ़ता हूँ, दो टाइप के क्वेश्चन और करेंगे अभी हम, कि मीजो कंपाउंड कौन सा है उसको कैसे पहचानना है क्योंकि उसमें हमने क्वेश्चन नहीं करें, और कौन सा रिजोल्वेबल है और नहीं है उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो इनको एक बार ध्यान से देख लो, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, तो कैसे पूछ पाओगे तुम, वीडियो है तो। मेरे कहने का मतलब होता है पूछ सकते हैं, इन द सेंस ग्रुप वगैरह पे टेक्स्ट कर दिया करो, वहाँ पे क्वेश्चन मेरे तक आ ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर या मेरे को डायरेक्ट पर्सनली मैसेज मत करो क्योंकि बहुत सारे होते हैं, तुम अपनी प्रॉब्लम खुद बढ़ा लेते हो। अब हर बच्चा एक क्वेश्चन सेंड कर देगा तो इतने सारे मैसेज आते हैं, किसी का काम का मैसेज भी होता है ना वो दिखता नहीं है। तो मेरा पर्सनल नंबर इसीलिए है 704 वाला कि आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप हम बात कर सकें। अगर इतने सारे मैसेज मैं आपको दिखा दूंगा ना अपने फ़ोन के अंदर कि आप कहोगे सर इन सबको क्या, मैं म्यूट करके रखता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि पूरे दिन फोन जो है जब मेरे को सोना होता है तो मैं साइलेंट कर देता हूँ तभी सो पाता हूँ, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, कॉल आते हैं पूरे टाइम के लिए। तो इसलिए अगर आपकी भी हेल्प यही होगी मेरे लिए, आप जब भी इसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम लिंक जो है 888-248-1674 उस पर कॉल किया करो, सारी प्रॉब्लम बता करो, वहां से जब मेरे पास प्रॉब्लम आती तो मैं उसका सॉल्यूशन सही तरीके से निकाल सकता हूँ। डाउट वगैरह जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़े हुए हैं, जो आपके सारे टेलीग्राम लिंक पे, मेनली टेलीग्राम लिंक है वो सबके पास होना जरूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने क्वेश्चन डिस्कशन के लिए नहीं बनाया, वो तुम लोग करने लगते हो। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए होता है ताकि सारे जुड़े हुए हैं, अगर तुम्हें किसी भी सर टेस्ट में ये दिक्कत हुई या किसी भी चीज़ में दिक्कत है, व्हाट्सएप ग्रुप का पर्पज़ है प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऐप वगैरह या बुक्स वगैरह आपस में कुछ भी डिस्कस करना है वहाँ पे। टेलीग्राम लिंक पे क्वेश्चन डिस्कस किया करो। अब तुम क्या करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी क्वेश्चन डिस्कस करो। अब किसी ने काम की बात कही होगी, सर मेरी वीडियो चल नहीं रही होगी, तो वो मिस हो जाएगा क्योंकि अब हम कितने वीडियोज देखें और हम समझाते हम पागल हो चुके हैं कि कैसे वर्क करवाना है। क्योंकि ये बात समझो, यहाँ तुम्हारी थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट है, तो ध्यान से समझो कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है। एकदम कुछ नहीं, बस वीडियोस देख ली, देखने से कर दी रैंडम, किसी को पता ही नहीं कौन कहाँ पढ़ा रहा है। तो इन चीज़ों पे मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करो, ठीक है। 888-248-1674 पे कॉल करो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे तक जब आती है तो मैं एक बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे मान लो सब बच्चों ने एक प्रॉब्लम रिपोर्ट कर दी कहीं पे, तो फिर वो मेरे पास आती है। तो अब जेन्युइन प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी बच्चों को हो रही है, तो उसका मैं एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। एक ही प्रॉब्लम है और हर बच्चा 100 बच्चे मेरे को 200 बच्चे मैसेज भेज रहे हैं सेम प्रॉब्लम का, तो वो भी टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो आप सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कीजिए दिमाग का, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और कि कौन सा इनमें से मीजो है या कौन सा रिजोल्वेबल है, इनको ध्यान से कर लो, इन क्वेश्चंस को जो कराया है यहाँ पे। अब दो टाइप के क्वेश्चन है, इनमें से तुम्हें बताना है मीजो कौन है और कौन नहीं है, इनमें से रिजोल्वेबल कौन है और कौन नहीं है। क्वेश्चंस वही सही कर पाएंगे जिसको थियरी ध्यान से सुनी है जिन लोगों ने, ठीक है। थियरी रिवाइज होनी चाहिए। मैंने कहा क्वेश्चंस तो मैं ये इतने से लिखे, मैं और भर दूंगा क्वेश्चनों की कोई कमी थोड़ी, लेकिन हमें जो चेक करना है वो है कॉन्सेप्ट। मीजो कंपाउंड के बारे में जो बातें बताई थी एग्जैक्ट वही याद होनी चाहिए दिमाग में, तभी सारे क्वेश्चन सही हैं। क्या ये एक कंपाउंड जो है, ये एक मीजो कंपाउंड है, तुम्हें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है, दैट मीन्स यस, ये एक मीजो कंपाउंड हो सकता है, बट आंसर इज नो। मैंने बताया था कम से कम कितने कायल सेंटर होने जरूरी हैं, दो। इसमें कायल सेंटर है कहीं नहीं, ये कोई कायल सेंटर नहीं है, तो ये कोई मीजो कंपाउंड नहीं हुआ क्योंकि तुमने पहली बात स्किप कर दी, तुम अपने हिसाब से थ्योरी डिजाइन कर लेते हो। क्वेश्चन ये नहीं था कि मीजो कंपाउंड्स में क्या होते हैं, तो मैंने तब बताया था साफ साफ, एटलीस्ट टू कार्बन होंगे, कायल सेंटर्स होंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तब उसको हम मीजो कंपाउंड कहते हैं। दूसरे वाले को चेक करो, इसमें दो कायल सेंटर है, बिल्कुल है, ये है और ये है, बिल्कुल है दोनों। अब क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे, तो दिस इज अ मीजो कंपाउंड। इस कंपाउंड की बात करते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी नहीं आ सकती, दिस इज नॉट अ मीजो कंपाउंड। इस कंपाउंड की बात करते हैं, तो तुम यहाँ देख रहे हो तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसी चीज़ कुछ नज़र आ नहीं रही है, तो हमेशा मोल फिशर में जो कार्बन है चेन को जनरली इस पे लाने की कोशिश करो वर्टिकल लाइन पे, तो दो चेंजेस करते हैं, ठीक है। अगर हम दो चेंजेस करेंगे तो सी ओ एच और ओ एच की पोजिशन चेंज हो सकती है, यहाँ पे आ जाएगा सी ओ ओ एच और ओ एच, ओ एच और एच में पोजिशन चेंज होगी, ओ एच और एच,
नज़र आया क्या, समझ में आया क्या, बात समझ आ रही क्या, ट्रिक हो सकता है, ये इनके लेवल है, इनके बस की यही है चेंजेस करने, और तुम्हें पहचानना है, हमें डरना नहीं है, टेंशन और कॉन्फिडेंस रखो, पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी है, बस तुम देखते ही आंसर लगा देते हो। मीजो कंपाउंड में कम से कम दो फाइल सेंटर, प्लेनोसोमेट्री सेंटोसोमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, बाकी नॉलेज तो फिशर्स इन प्रोजेक्शंस की है, प्रोजेक्शंस पे मेहनत करनी होती है, ठीक है, तो इसमें है। अच्छा एक और यहां से वर्ड मैं तुम्हें बता देता हूं, मैंने वर्ड यूज किया था एराइथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स, जो होंगे वो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। अगर कभी भी जनरली क्या होता है, एराइथ्रोस और थ्रायो नेमिंग कब करते हैं, अगर कोई दो एडजेसेंट कायरल सेंटर हो, ठीक है, और जिन पे दो ग्रुप सेम हो, ठीक है, तीसरा डिफरेंट हो सकता है, वो एडजेसेंट कायरल सेंटर एटलीस्ट हैविंग टू ग्रुप सेम। अब हम बात करेंगे, जैसे इसमें हमने ये दो एडजेसेंट कायरल सेंटर है, इस पे दो ग्रुप क्या है, सेम है, सेम है, डिफरेंट, तीसरा सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब अगर उसमें दोनों सेम जो है ये वाले एक साइड पे आ जाए तो उसको एराइथ्रो आइसोमर्स कहते हैं, और सेम ये भी अच्छा हुआ यहीं पे है कि दो कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है, और दो ग्रुप सेम है, ओ एच और चाहे सी ओ एच, चलो ठीक है, और सेम वाले जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दिस इज योर थ्रियो आइसोमर्स, ठीक है। तो इसमें तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, जो इरिथ्रो वाले होते हैं, एराइथ्रो वाले होते हैं, इनमें हमेशा सेम ग्रुप जो है क्या है, सेम साइड पे होंगे, और जो थ्री है उसमें कहाँ होंगे, अपोजिट साइड पे होते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता था ये सी एच थ्री हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है सेम हो ये वाला, मैंने क्या बोला, कम से कम दो ग्रुप सेम हो, उसके बेसिस पे तुम आंसर कर सकते हो, क्लियर है। अब देखो इसकी बात करते हैं, मीजो है कि नहीं है, तो साफ साफ देखो कार्ल सेंटर्स बिल्कुल है, ये कार्ल सेंटर, ये कार्ल सेंटर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिस इज अ मीजो कंपाउंड, कार्ल सेंटर दो से ज्यादा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखी क्या, दिखी ना मेरे को इधर, ठीक है, बात समझ आ रही, ये हमने फिशर प्रोजेक्शन बना रखा है। अगर कोई भी किसी का फिशर प्रोजेक्शन हमेशा एक्लिप्स में लेके आते हैं तब बनता है हमेशा, तो अगर किसी मॉलिक्यूल को तुम्हें दे रखा है और तुमसे पूछ रहे हैं ये मीजो है या नहीं है, उसकी कोई भी फॉर्म चाहे कोई सी भी कन्फर्मेशन अगर मीजो है तो वो कंपाउंड मीजो ही काउंट होता है। ये बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं भी समझ में आई टेंशन मत लो। देखो अभी क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मैं एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं कन्फ्यूजन वाला, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें कार्ल सेंटर ही नहीं है, ये दोनों तो सेम ही है, कार्ल सेंटर नहीं है, नॉट अ मीजो कंपाउंड, कार्ल सेंटर प्लेनोसिमेट्री, यस इट्स अ मीजो कंपाउंड। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, करो भाई बनाओ, वैसे तो स्टैगर्ड वो दिया हुआ है, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, लेकिन जब तुम फिशर बनाओगे इसकी तो कौन सी होगी, वो हमेशा एक्लिप्स की बनती है। तो मैंने क्या बताया था, एक मॉलिक्यूल चाहे स्टैगर्ड में हो चाहे एक्लिप्स में हो, कैसे भी दे रखा है, अगर वो एक्लिप्स बनाने के बाद भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो मीजो कंपाउंड ही काउंट होगा। ये वाली बात मैं तुम्हें कह रहा था, अच्छा हुआ क्वेश्चन भी बिल्कुल यहीं पे आ गया, ये एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन नहीं बनी हुई है, स्टैगर्ड बनी हुई है, लेकिन हम जब फिशर बना रहे हैं तो हम कौन सी बना रहे होंगे, एक्लिप्स बनाएंगे और फिर हम उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। तुम कहोगे सर ये आपने क्या कर दिया, आपने तो मॉलिक्यूल की कॉन्फर्मेशन चेंज करने के बाद बताया है, तो मैंने यही तो समझाया, कॉन्फर्मेशन कोई भी हो किसी भी एक कॉन्फर्मर में अगर वो मीजो है तो कंपाउंड विल ऑल्सो ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ मीजो कंपाउंड। अब इसकी कैसे बनानी है हमें प्रोजेक्शन, देख लो भाई ये सी ओ एच है और ये सी ओ एच है, ये सारी लाइन कार्बन वाली बना दी सीधी, सी ओ ओ एच, सी ओ ओ ओ एच, कितनी स्पीड से करना है काम, देखो 1 2 3, मैं ज़्यादा स्पीड से कर रहा हूँ, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में गलत भी कर सकता हूँ, तो आराम से करेंगे, ठीक है। ऊपर से देख रहे हैं अगर हम यहाँ पे, ठीक है, तुमने ऐसे इस लाइन को बना दिया, अब तुम यहाँ से इधर से देख रहे हो, तुम्हें ऊपर ये नजर आ रहा है, समझ में आ रही है बात, ऊपर तो तुम यहाँ से देखोगे तो जो बाहर आ रहा है वो लेफ्ट, जो अंदर जा रहा है वो राइट, बाहर आ रहा है ओ एच, अंदर जा रहा है एच, यहां से देखो, यहां से देखने में तुम्हें बात ध्यान रखनी है, तुम्हें ये वाला जो पार्ट है ऊपर नजर आ रहा है तो इस तरीके से देखना होता है, और ये जो वाला पार्ट है ये वाला नीचे जा रहा है, तो तुम यहां से देख रहे हो, यहां से ऐसे ये ऊपर है, सी एल इधर दिखेगा, बी आर इधर दिखेगा, ये वाला पार्ट तभी तुम्हें ऊपर नजर आएगा, ये वाला पार्ट नीचे, तो जो बाहर आ रहा है वो सी एल है राइट साइड पे और बी आर। अब इसकी बात करते हैं, इसको ऊपर से देखना है, तुम ऐसे नहीं देख सकते कि सर ये बाहर है ये अंदर है, क्यों, क्योंकि ऐसे देखने पे मुझे सी ओ एच ऊपर नजर आ रहा है, जबकि हम इस कार्ल सेंटर पे हैं, सी ओ एच हमें कहाँ नजर आ रहा है, नीचे, तो अपना ओरिएंटेशन बदलो, यहां से देखो कि सर सी ओ एच नीचे है, अब देखो ओ एच लेफ्ट एच राइट, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जी हाँ ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी एक मीजो कंपाउंड कंसीडर हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है आज के बाद। मीजो कंपाउंड्स कौन से होते हैं मैंने बता दिया है, मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी तुम लोगों को मैंने बता दिया, रिजोल्वेबल और नॉन रिजोल्वेबल में मैंने बताया था, सारा लिख लिख के समझाया सारा कि इनमें से कौन कौन से रिजोल्वेबल हो सकते हैं और नहीं है। अगर अमीन आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है कंपाउंड, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें पिरामिडल इन्वर्जन है, ये बात मैंने पहले भी समझाई थी, तो ये कभी भी रिजोल्व नहीं हो सकते हैं अपने एनेंशियमर से। इसकी बात करते हैं,
ठीक है, ना तो ये मेज़ो कंपाउंड है, प्लेनर सिमेट्री नहीं है, ना सेंटर सिमेट्री नजर आ रही है, ठीक है। तो ठीक है, इसके एनेंशियमर बनेंगे, दो दो बनेंगे तो रिजोल्व हो जाएंगे, तो ये रिजोल्वेबल हो सकता है। इसकी बात करते हैं भाई, दो कार्ल सेंटर, कहाँ है कार्ल सेंटर, कुछ भी नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। और प्लेनर सिमेट्री भी है, और तो और क्या ही बोलूँ मैं, यहाँ से देखो एच सी एल बी आर एच को ऐसे कट करता हूँ बीच से, तो दिस इज नॉट रिजोल्वेबल। ये तो साफ साफ समझ में आ गया इसमें, ओ नहीं नहीं साफ साफ तो मेरे को ये समझ में आया कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं है तो मीज़ो नहीं है, मीज़ो नहीं है तो एनेंशियमर होंगे, बनेंगे इसके, मतलब जो इसका मिरर इमेज होगी इसकी बिल्कुल, तो वो रिजोल्व हो सकता है। इसके अलावा ये मॉलिक्यूल आ गया, बताओ ये रिजोल्वेबल होगा कि नहीं होगा। आप देखो भाई, मैं करके नहीं दिखा रहा, अपने आप कर लेना, इसको बनाओ, इसका फिशर बनाओ, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह कुछ नज़र आती है तो इसका मतलब वो रिजोल्वेबल नहीं होगा। मैं बना देता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा रहता ही है दिल में कि कहीं तुम गलत ना कर दो इस चीज़ को। चलो यहाँ से बनाना करो, बनाना स्टार्ट करते हैं। एच सबसे ऊपर, सी ओ ओ एच सबसे नीचे, कार्ल सेंटर कितने हैं, एक दो तीन, ऊपर से देखोगे, यहाँ से उधर जाके देखना, यानी ऐसे देखेंगे हम यहाँ से ऊपर से, एच ऊपर नज़र आ रहा है, लेफ्ट में आएगा सी ओ ओ एच नज़र, राइट में आएगा ओ एच नज़र, यहाँ से देखेंगे बी आर बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा, एच अंदर, ऊपर से देखेंगे एच बाहर ओ एच अंदर, ठीक है। कार्बन चेन को मैंने बताया है, ऊपर ले आया करो, दो चेंज करने पड़ेंगे, सी ओ ओ एच आ गया है यहाँ पर, ओ एच यहाँ और एच यहाँ पे आ गया। बताओ भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आई क्या, मेरे को तो नहीं आई, नहीं आई तो इसका मतलब ये रिजोल्वेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ तक प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो अब इस क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया, देखो पूरा सारा ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, हो सकता है तुम्हें अलग अलग पार्ट में क्लास पढ़ रहे हो, लेकिन मैंने क्या पढ़ा है एक साथ खड़ा होकर मैं वो समझा रहा हूँ कि एनेंशियोमर्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, रेसमिक मिक्सचर एनेंशियोमरिक एक्सेस क्या है, उनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, मीजो डायस्टीरियोमर्स का एक छोटा सा आइडिया, एरेथ्रो एंथ्रायोआइसोमर्स जो है उसका भी एक आइडिया मिल गया है हमें यहाँ पे, और रिजोल्वेबल नॉन रिजोल्वेबल कौन से होते हैं ये हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।